नमस्कार, स्वागत करुच्ची ओडिया रोसेई। आज मुझे आपण मान सहित सेयार करी खीरी रो गोटे रेसीपी छेना खीरी। आशा करुच्ची भिडियोटी आपको भल लगे। जदि मो चेल आपड़ किए नुआ होती है निश्चय सब्सक्राइब करे, लाइक सेयार भी करदे। चलो तो स्टार्ट करवा आज रेसीपी। छेना खीरी प्रस्तुत करने मुझे आवश्यक सामग्री नहीं जाइए। एक ग्लास में गोटे ग्लास क्षीर नहीं जा कप चीनी नहीं छेना नहीं तीन टा गुजराती नहीं पिस्ता बादाम को मुझे काटिक रखीदे ये काजू को भी खंड खंड कर रखीदे। ए कड़े गोटे ग्लास क्षीर मुझे ढाईदेली। क्षीर को आम फुटा को दबा यहीपरी आम चला ना तलपटू लगार संभावना थाए। क्षीर को फुटा को दबा। एबे आमे प्रेशर कुकर रे सीरा बन से मुझे डेढ़ कप चीनी ए गोटे कप चीनी मु पके आठ हाफ कप चीनी मुझे रखीदे आठ अढ़े कप पानी ऐड कर दूची। आमे चीनी पानी को मिसिबा को दबा चीनी डिजल्व हो पानी रे से आमे किछि समय फुटा को दबा। एबे आमे छेना को यहीपरी खंड खंड करदे गुंड करदे पूरा आपको भल भाव सॉफ्ट डो तैयारी करनबा यहीपरी भल भाव चकटी दबा। देखु ये छेना बहुत सॉफ्ट हो जाइपर पाँच रु छ मिनट जाए आप चकटे से सॉफ्ट हो जाए। पूरा अंगुर जमी पूरा टिकी टिकी आम गोल करदे छोट छोट अंगुर भाया देखु यहीपर छोट छोट गोल करदे। यहीपर मु सब छेना डो को सब छोट छोट गोल करदेवि। देखु मुपर छोट छोट गोल करदे छेना को। देखु प्रेसर कुकर में चीनी पानी आड करी एवं मु गोल गुड़िक को सब प्रेसर में पकईदेली। यहपर मुझ सब गोल को प्रेसर में पकईदेवि। देखु मुझ गोल गुड़ी को प्रेसर में पकईदी। एवं आम कभर देद गोटे हुईसिल आसब आोटे हुईसिल पलैसापर आप मीडियम फ्लेम रु लो फ्लेम करदे 10-12 मिनट लो फ्लेम रखिए। देखु ये कड़े क्षीर फुटी जाए अधा कप चीनी आड करदेली क्षीर से मिसी जावाई आम कि समय यहपर चलवा लो फ्लेम रे 10 मिनट हो जाए। गैस फ्लेम को ऑफ कर दूची। एम प्रेशर कुकर कभर बाहर कर देखु रेडी रसगुल्ला बाहर कर छणा को देखु ये क्षीर मात्रा भी कमी जा आउ क्षीर गाढ़ा भी हो जाए। आम रसगुल्ला सब आड करद गुजराती पकईदेली। एठ काजू किसी पकईदेली आ कि रखी ग्रानिशिंग आउ पिस्ता पकईदेली। एबे आम लो फ्लेम रे कभर देद 5-6 मिनट 5 मिनट हो जाए। एबे कभर बाहर कर देखु केते सुंदर रेडी हो जाए छेना खीरी। एबे एक छोट बाल को बाहर करदेवि। देखु रेडी हो जाए छेना खीरी। ये मुझे ग्रानिशिंग अल्प किसी पकईदेली पिस्ता काजू बादाम। आपण भी निश्चय घर ट्राए करूँ। रेसिपी टी केमिति लागिला कमेंट सेक्शन रे कमेंट निश्चय करूँ। रहुची, धन्यवाद।